वेरी गुड मॉर्निंग क्लास। और आज जिस टॉपिक को हम लोग शुरू कर रहे हैं, ये बहुत ही छोटा टॉपिक्स है, फूड वेब, फूड चेन और की स्टोन। एक स्पीसीज है की स्टोन, एक ग्रुप ऑफ स्पीसीज उसको कहते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो वेब से शुरू होगा और की स्टोन तक जाएगा। प्रीवियस वीडियो में मैंने बहुत सारे चीज़ों को डिस्कस किया, आई बटन में आ जाएगा, इकोलॉजिकल पिरामिड का। कोई क्यूरी होगी तो ज़रूर पूछिएगा। एक सवाल आया है मेरे पास स्टूडेंट का कि सर, पिरामिड ऑफ प्रोडक्टिविटी जो है आपने जो दर्शाया है वो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है, और क्या नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी या नेट प्रोडक्टिविटी टर्मिनोलॉजी का इस्तेमाल हम हर स्टेज ऑफ प्रोडक्टिविटी के कर सकते हैं कि नहीं। सवाल बहुत अच्छा है, और जी बिल्कुल कर सकते हैं आप। अगर आप उस वीडियो को देख रहे हैं और देखे होंगे तो जिसमें मैंने बताया कि पिरामिड ऑफ बायोमास में प्लैंकटॉन्स की संख्या बहुत ज़्यादा होती है और प्रोडक्टिविटी डिपेंड होता है नंबर ऑफ स्पीसीज पे और एनर्जी फ्लो के क्राइटेरिया पे, इसीलिए पिरामिड ऑफ प्रोडक्टिविटी भी हमेशा ही अपराइट होगा। ठीक है, हर स्टेप पे प्रोडक्टिविटी होती है, प्रोड्यूसर लेवल पे, प्राइमरी कंज्यूमर पे, सेकेंडरी कंज्यूमर पे, टर्सरी कंज्यूमर का भी अपना प्रोडक्टिविटी होता है। परंतु जैसे जैसे हम प्रोड्यूसर से टॉप कंज्यूमर की तरफ मूव करते हैं तो क्या होता है कि नंबर ऑफ स्पीसीज डिक्लाइन करने लगते हैं, एनर्जी का जो स्टोरेज है वो डिक्लाइन करने लगता है, और इस डिक्लाइन होने के कारण प्रोडक्टिविटी नीचे से ऊपर जाते क्रम में डिक्रीज होने लगती है। ठीक है, हाँ जी, आप बिल्कुल कर सकते हैं, उसको कोई दिक्कत नहीं है। तो फिलहाल आज का टॉपिक शुरू करते हैं हम लोग, फूड वेब चेन और कीस्टोन, माइसेल्फ डॉक्टर प्रकाश। कंटेंट बहुत छोटा सा है, सबसे छोटा कंटेंट है ये, सबसे छोटा कंटेंट है ये अभी तक की सभी क्लास का, इससे छोटा कंटेंट नहीं बना। पर देखेंगे, अंदर चलेंगे, कहानियाँ सुनेंगे। जो ये वीडियोस हैं आप इसको अपने कान में ईयरफोन लगाइए या मोबाइल को रख दीजिए, अपना आप बाकी काम करते रहिए और ये कहानी चलती रहेगी अनवरत। आपको कहानी की तरह मैं इन्वायरमेंटल साइंस पढ़ाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ, कोई चीज़ की कमी रह जाएगी तो बताइएगा। तो शुरू करते हैं, कहानी की शुरुआत फूड वेब से होती है। फूड वेब को चार्ल्स एलिंगटन ने 1923 से इस पे काम करना शुरू किया था, 1927 लिखा है, वो सही है। तो 1923 से काम करना इस पे, फूड वेब पे शुरू किया, जब वो पिरामिड के और भी अलग अलग डायनेमिक्स को देख रहे थे। उन्होंने कहा कि नेचर के जो काम करने का तरीका है, अगर हमको फंक्शनल किंगडम को एक्सप्लोर करना है, क्या करना है, फंक्शनल किंगडम को एक्सप्लोर करना है, तो हमको क्या ध्यान रखना होगा, फ्लो ऑफ एनर्जी और नंबर ऑफ स्पीसीज, ये दो चीज़ों को हमको ध्यान रख के फंक्शनल किंगडम के बारे में एक्सप्लोरेशन अपनी करनी चाहिए। फूड वेब की कहानी यहाँ लिखी है, और ये कहानी का आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, आपका वेब का नोट्स हो जाएगा। इसको समझिए क्या है, नेचर में हर स्पीसीज के लिए कई सारे आयाम हैं, मल्टी डायमेंशन,
और यह मल्टी डायमेंशनल डिपेंडेंसी वेब कहलाती है इन केस ऑफ रिलेशनशिप फॉर द डिपेंडेंसी ऑफ फूड। यदि कोई ऑर्गेनिज्म किसी भी ऑर्गेनिज्म पर डिपेंडेंट है, अमूमन है, अमूमन सभी हैं, कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म नहीं है जो कि फूड के लिए अदर ऑर्गेनिज्म पे डिपेंडेंट नहीं है, ऐसा एक भी ऑर्गेनिज्म आपको नहीं मिलेगा, इंक्लूडिंग प्लांट्स। प्लांट भी अपना फूड मटेरियल तैयार तो करते हैं स्वयं, परंतु उस फूड मटेरियल के कुछ इंटीग्रेंट्स उनको सॉयल माइक्रोफ्लोरा से मिलते हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो वो डिपेंड अपॉन सनलाइट होते हैं डायरेक्टली, इनडायरेक्टली भी उनकी डिपेंडेंसी होती है। अगर इनडायरेक्टली डिपेंडेंसी नहीं होती तो टेक अ नीम का पेड़ एंड रोप, जाके आप रोप दीजिए राजस्थान में, उसको ग्रो करना चाहिए सीधे एकदम बीचों बीच डिजर्ट के, वो नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि न्यूट्रिएंट डिपेंडेंसी। तो ये चूंकि एबायोटिक और बायोटिक का रिलेशन है और ये डिपेंडेंसी एक ही डायमेंशन में नहीं है, ये मल्टी डायमेंशन है, और यह मल्टी डायमेंशनल डिपेंडेंसी हमको नेचर में अगर देखना है तो वी शुड हैव टू गो थ्रू वेब। अब जो आपका मल्टी डायमेंशनल डिपेंडेंसी है, यह मल्टी डायमेंशनल डिपेंडेंसी उस नेचर के एबायोटिक बायोटिक कंपोनेंट के रिलेशन के साथ साथ पैरेलली इकोलॉजी के इकोसिस्टम में देखने को मिलता है। क्योंकि हम पूरे नेचुरल वेब्स को एक साथ नहीं स्टडी कर सकते, इसीलिए इस डिपेंडेंसी को यूनिट वाइज स्टडी किया जाता है, जिसको हम फूड चेन में देखेंगे अभी आगे। एक मैंने कोट किया है क्रैब 2009, एक साइंटिस्ट का पेपर मैं देख रहा था, और ये बहुत ही अच्छी चीज़ आपको मिलेगी और आप इसको ज़रूर अपने कॉपी में लिखिएगा। ये इन्होंने बताया कि फूड वेब रिप्रेजेंट फीडिंग रिलेशनशिप विद इन कम्युनिटी, इट आल्सो इम्प्लाइज ट्रांसफर ऑफ फूड एनर्जी फ्रॉम इट्स सोर्स इन प्लांट थ्रू हर्बीवोरीज टू कार्निवोरीज। जो परिभाषित डिफिनेशन था उसको, परिभाषित डिफिनेशन क्या था फूड वेब की, अगर परिभाषा दे तो क्या है? फूड वेब इज अ रिचनेस ऑफ स्पीसीज इंटरलिंक्ड विथ ईच अदर डिपेंडिंग अपॉन द, डिपेंडिंग अपॉन क्या? फूड और जो है आपका सर्वाइवल, आपका जो है कंपटीशन, प्रीडेशन, इसी सब चीज़ के लिए तो डिपेंडेंसी है। तो मल्टी डायमेंशनल डिपेंडेंसी ऑफ ऑर्गेनिज्म फॉर इट्स सर्वाइवल इज स्टडीड अंडर फूड वेब। फूड वेब में हम यही स्टडी करते हैं, और यह जो डिपेंडेंसी है, यह डिपेंडेंसी फ्लो ऑफ एनर्जी पर आधारित है। जब रेमंड ने, रेमंड लिंडर्समैन ने 10% ला दिया, जिसमें एनर्जी के फ्लो को समझाया गया, उस दौरान और उसके बाद से हर कंसेप्ट एनर्जी के रूप में देखने की शुरुआत हुई। हालांकि फोटोसिंथेसिस रिएक्शन को हम लोग पहले ही से जानते थे, पर इकोलॉजी के हर स्टेप पे फ्लो ऑफ एनर्जी को जो रेमंड ने 10% ला के थ्रू समझा दिया,
वो पहली बार हुआ। तो उसी चीज़ को अगर हम कम्युनिटी रिचनेस पे देखें भाई, अगर आप इस परिभाषा को देख रहे हैं तो इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि द फीडिंग इंटरैक्शन रिप्रेजेंटेड बाय फूड वेब मे बी प्रोफाउंड इफेक्ट्स ऑन स्पीसीज रिचनेस ऑफ कम्युनिटी एंड इकोसिस्टम प्रोडक्टिविटी एंड स्टेबिलिटी। मींस फूड वेब रिप्रेजेंट स्पीसीज रिचनेस ऑफ कम्युनिटी एंड इकोसिस्टम प्रोडक्टिविटी एंड स्टेबिलिटी। जितना घना फूड वेब होगा, इकोसिस्टम प्रोडक्टिविटी उतनी ज़्यादा होगी और स्टेबिलिटी की संभावनाएं उतनी बड़ी होंगी। तो फूड वेब को इकोलॉजिकल कंसेप्ट में फूड के ट्रांसफॉर्मेशन को क्रेब ने 2009 में अपने शोध पत्र में लिखा, और ये शोध पत्र मुझे बेहद अच्छा लगा। इनका शोध पत्र है, आप जो है साइट पर इसको देख सकते हैं। आप डालेंगे क्रेब 2009 तो सीधे इन्हीं का खुलेगा ऑन फूड वेब। नॉर्मली फूड वेब कंसिस्ट नंबर्स ऑफ फूड चेन इंटरलिंक टुगेदर, मैश मतलब इंटरलिंक टुगेदर, और दो इकोसिस्टम या जो अरे सॉरी दो फूड चेन जहाँ पे जुड़ते हैं, जहाँ ये डिपेंडेंसियाँ देखी जाती हैं, उनके लिए भी टर्मिनोलॉजीज की जो है विवेचना की गई है। डायग्रामेटिकली फॉर्म में उसको नोड्स कहा जाता है, NODES, नोड्स। तो फूड वेब में हम फूड को इन फॉर्म ऑफ एनर्जी ट्रांसफर होते हुए कई लेवल पे और कई डायमेंशन में देखते हैं। तो एक तरीके से आप फूड वेब को ऐसे भी परिभाषित कर सकते हैं कि फूड वेब जो है इट इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फूड इन फॉर्म ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन फीडिंग ग्रुप टू अनदर इन डिफरेंट डायमेंशंस ऑफ इकोलॉजी और इकोसिस्टम। इस तरह भी कर सकते हैं। ये फूड वेब कई प्रकार के होते हैं। अब फूड वेब के जो मुख्य प्रकार हैं वैसी को मैंने यहाँ लिखा है, जो मेजर हैं। इसमें से आप एक्वाटिक टेरेस्ट्रियल तो समझ रहे होंगे, फूड चेन इकोसिस्टम जो कहानियाँ कहती हैं, जो इकोलॉजी कहानी कहती है। तो शुरुआत करते हैं ह्यूमन फूड वेब से। ह्यूमन के फूड वेब क्या हैं? आप चाइना देख लो, एक स्पीसीज ह्यूमन टिड्डे से लेके सांप तक खा लेते हैं। आप ही का डिपेंडेंसी देखें, अगर आप वेजिटेरियन हैं आप मशरूम भी खाते हैं, आप सोया पालक भी खाते हैं, आप जो है पनीर भी खाते हैं, आप आलू की भुजवा खाते हैं, आप गोभी की भुजवा खाते हैं या गोभी की सब्जी खाते हैं। ये क्या है? ये डिपेंडेंसी है आपकी। आप मल्टी कंपोनेंटल डिपेंडेंट ऑर्गेनिज्म हैं। और ये जो प्रोसेस कर रहे हैं ये कब कर रहे हैं? अपने एबायोटिक कंपोनेंट से जुड़कर आप डिपेंडेंसी दिखा रहे हैं। क्योंकि देखिए, बिना एबायोटिक कंपोनेंट और बायोटिक कंपोनेंट के प्रॉपर संतुलन के आप इस अर्थ को हैबिटेबल नहीं समझ सकते। नहीं बन सकता हैबिटेबल। ये इक्विलिब्रियम में होना ही होगा। स्टेबलाइज्ड इकोसिस्टम की बात होती है। फिर एग्रीकल्चरल फूड वेब क्या है? एग्रीकल्चरल फूड वेब मतलब कि वो फूड वेब की प्रैक्टिस जिसमें कई सारे एग्रीकल्चरल फील्ड में देखिए कई सारे स्पीशीज वहाँ आते हैं। रोडेंट्स हैं, फिर उसके बाद से रेप्टाइल्स हैं, फिर बर्ड्स हैं। तो वहाँ की डिपेंडेंसी आपको देखने को मिलती है। प्लस एक एग्रीकल्चरल लैंड एरिया
पे कई तरीके के आप फसल भी उगाते हैं, ये भी है एग्रीकल्चरल फूड वेब, ये भी एग्रीकल्चरल फूड वेब में आएगा। जिस खेत में कई प्रकार के फसल उग सकते हैं उसकी प्रोडक्टिविटी बहुत अच्छी होती है, बहुत अच्छी होती है। एक्वाटिक फूड डिटरस डिटेरियल फूड वेब क्या है? वही पैरासिटिक इकोसिस्टम, डिटरस डिटरस इकोसिस्टम। एक्वाटिक फूड वेब क्या है? जो पानी में हो, जो पानी में इकोसिस्टम है उसकी एक यूनिट को हम देखें जिसमें फूड के ट्रांसफॉर्मेशन। नाउ क्वेश्चन अराइजेज, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन अ फूड वेब एंड इकोसिस्टम? इकोसिस्टम एक रिलेशनशिप शो कर रहा है, एक रिलेशनशिप शो करता है इन अ लीनियर मैनर, बट इन फूड वेब जो रिलेशनशिप है, बहुत गौर से सुनिएगा, फूड वेब में या फूड चेन में जो रिलेशनशिप है वो केवल फूड के लिए है, खाने के लिए है, सिर्फ और सिर्फ खाना। और ये खाने के जो है इसको हम देखते हैं, स्पीसीज खाया उसको ऊर्जा में कन्वर्ट करके आगे इस ऊर्जा ट्रांसफ़र हुई। तो फूड का रिक्वायरमेंट और फूड की डिपेंडेंसी को हम फूड वेब में या फूड चेन में देखते हैं, इसीलिए आगे फूड लिखा है, सिर्फ खाना। और इकोसिस्टम में सब आ जाता है, ये सब इकोसिस्टम का ही पार्ट है। अगर हम इसको देखें गौर से तो ये आपका कम्युनिटी इकोलॉजी का पोर्शन है, इट इज़ कम्युनिटी इकोलॉजी टॉकिंग अबाउट द डिपेंडेंसी ऑफ फूड। कैसे? मान लीजिए कि बहुत सुंदर जगह है, स्विट्ज़रलैंड है, पहाड़ियाँ हरी भरी चारों ओर, अज्यूम कर लीजिए अपने आप को, ठीक है, जितनी खूबसूरती आप एज्यूम करना चाहते हैं कर लीजिए, आपको ले जाके वहाँ रख देते हैं, ठीक। दिमाग में पहला सवाल क्या आएगा? हम खाएंगे क्या? वो घास तो खाएंगे नहीं आप, वो घास तो खाएंगे नहीं, वो पेड़ की पत्तियाँ तो चरेंगे नहीं आप, है? तो बेसिक ह्यूमन नेचर या कोई स्पीसीज फूड पे ही डिपेंडेंट होता है। फूड इज़ द वाइटल सोर्स ऑफ एनर्जी, हमारे शरीर के लिए फूड ही रिक्वायरमेंट है, बिना खाने के कोई सेना नहीं लड़ सकती कहा गया है। खाने में भी देखिए शरीर कैसे वर्क करता है, पूरा शरीर का आप स्ट्रक्चरली देखें, आप देखिए तो उसमें देखेंगे क्या कि ह्यूमंस जो हैं, एक तो हमारी डिपेंडेंसी कई चीज़ों पर होती है, खाएंगे क्या सवाल पहले आएगा, है? तो जो फंडामेंटल्स खाना हमारा है, कोई भी खाना, वेज खाए नॉन वेज खाए कोई भी, शरीर में जाके क्या कर रहा है? अगर इसका आंसर आपके दिमाग में आ गया जो मैं अभी बताने जा रहा हूँ, तो समझ लीजिए कि आपने अच्छे से पढ़ाई की है। पूरे शरीर में आपके दो तरीके के पंप चलते हैं, मालूम है, सोडियम और पोटेशियम, सोडियम और पोटेशियम पंप, पढ़े कि नहीं? तो सोडियम और पोटेशियम पंप जो है इसका बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है, और यह बैलेंस उस न्यूट्रिएंट्स और उस कंपोनेंट से होगा जो हमको फूड के थ्रू मिलेगा, तभी ये शरीर काम करेगा, समझे? आगे चलें, यही चीज़ सभी जानवरों में लगती है, सभी में लगती है, पर ह्यूमन सबसे कमज़ोर स्पीसीज है इस पूरे धरती पर, ह्यूमंस। अब पूछेंगे आप कैसे, हमारा तो बाइसेप है ट्राइसेप है, तो हम कमज़ोर कैसे, हम बुद्धिमान हैं। एक छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूं मैं, आपके घर के बाहर जहाँ पे भी आपका घर हो देखेंगे तो नाली बह रही है, जानते हैं नाली ना, नाली में जो कीड़े होते हैं, कीड़े में आप माइक्रो ऑर्गेनिज्म पे जाइए,
जो आपको माइक्रोस्कोप से ही दिखे खाली, उससे ज्यादा कमजोर ह्यूमन स्पीसीज है। अगर हमको ऑक्सीजन ही ना मिले तो हम मर जाएंगे, तुरंत खत्म हो जाएगी स्पीसीज। और उनको ना मिले तो एनारोबिक पे सर्वाइव कर लेंगे, एनारोबिक कंडीशन पे सर्वाइव कर लेंगे। हमको अगर एक दिन व्रत रहना पड़ता है तो सर ऐसे घूमता है, चारों ओर घूमेगा, थकान लगेगी क्योंकि सोडियम पोटेशियम पंप गड़बड़ाने लगता है। तो अब उनको ना मिले ग्लूकोज तो वो फ्रक्टोज अक्टोज के अदर कंपोनेंट्स पे भी सर्वाइव कर जाएंगे। हाइबरनेट हो सकते हैं, आप हाइबरनेट नहीं हो सकते हैं। सबसे ज़्यादा दिक्कत यही है। और हम ये समझते हैं कि हम जो है बहुत ताकतवर हैं। भाई इस धरती को आपसे पहले वो मच्छर जान रहा है जो डायनासोर के समय का है, आपसे पहले प्रीप्लांटा अमेरिकाना जान रहा है कॉकरोच है, आपसे पहले इस अर्थ को पेड़ जान रहे हैं, घास जान रहा है, गधा जान रहा है, आपसे पहले आपका सबसे नज़दीकी रिश्तेदार बंदर जान रहा है इस धरती को। पेड़ जो है पौधा है, हाइड्रोफिटिक कंडीशन है, सर्वाइव अच्छी से कर रहा है। मान लीजिए कि हाइड्रोफिटिक खत्म हो रहा है, वो जीरो फिटिक कंडीशन के लिए तैयार कर लेगा अपने आप को, अपने सारे न्यूट्रिएंट्स को अपने रूट नोड्यूल्स में एब्जॉर्ब कर देगा। प्रोसेस इज नोन एज, अब ये मत कहना कि हमको ये टर्म नहीं मालूम था भैया, प्रोसेस इज नोन एज बायोसॉर्प्शन। बायोसॉर्प्शन की प्रक्रिया के कारण प्लांट्स जो है रूट नोड्यूल्स में अपने न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करके और स्टोर कर देते हैं, और जब फेवरेबल कंडीशन आता है तो फिर वो ग्रो करने लगते हैं। रीजनरेशन की भावनाएं स्पीसीज में होती हैं, हमारे में नहीं है। उंगली कट जाए तो रीजनरेट नहीं होगी, वो खत्म हो जाना है। तो होमोसैपियन सैपियन जो खुद को बड़े बड़ी वाइस मैन कहते हैं, दे आर नॉट वाइस, दे आर वेरी वीक मैन। बस कहने का है और नज़रों का फेर है कि हम अपने आप को बाइसेप और ट्राइसेप के मसल्स में कवर बचाए हुए हैं। उम्मीद कर रहे होंगे ये अच्छा लगा होगा आपको सुन के। टेरेस्ट्रियल फूड वेब क्या होता है भाई? अ टेरेस्ट्रियल फूड वेब जो टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट में रन करता है, पूरे धरती पे दो ही तो इन्वायरमेंट, एक्वाटिक और टेरेस्ट्रियल। एक्वाटिक और टेरेस्ट्रियल, जो एक्वाटिक में है तो वो एक्वाटिक फूड वेब, और टेरेस्ट्रियल में है तो टेरेस्ट्रियल फूड वेब। फूड वेब अगर आप समझ गए हैं तो आप ये जान रहे होंगे कि फूड वेब अलग अलग तरीके की डिपेंडेंसी को दर्शाता है, अलग अलग ऑर्गेनिज्म की डिपेंडेंसी को इंडिकेट करता है, और यह डिपेंडेंसी फॉर फूड होती है। और इन केस ऑफ इकोसिस्टम क्या होगा कि फ्लो ऑफ एनर्जी को दर्शाते हैं, इकोसिस्टम में फूड को दर्शाते, कई चीज़ों से रिलेट करके चलेगा इकोसिस्टम, कई चीज़ से रिलेट करके चलेगा, एबायोटिक बायोटिक सभी चीज़ों से। पर फूड वेब फूड चेन केवल खाने की बात होगी, मतलब आप समझ लीजिए कि होटल में बैठे हैं। और अक्सर ये होता है, अमूमन मेरे साथ भी होता है, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग पॉइंट है मैं बता दूँ, हालांकि यूट्यूब क्लासेस हैं इसमें ऐसे सब नहीं शेयर करना चाहिए, पर मैं यहाँ मोनेटाइजेशन के लिए तो हूँ नहीं। तो अक्सर ये होता है, पता नहीं आप लोग के साथ होता है कि नहीं, जैसे मान लीजिए कि हमने कोई चीज़ ऑर्डर किया, ठीक है, अगले टेबल पे किसी ने दूसरा ऑर्डर किया तो हमको अपना वाला अच्छा नहीं लगता, उसका अच्छा लगता है। ये ह्यूमन बिहेवियर है, ह्यूमन साइकोलॉजी है, हमें अपना नहीं अच्छा लगेगा, हमको उसका। भलवे से हम फुल्की ऑर्डर किए हों हैं और उसने चाट ऑर्डर किया हो तो हमको वो टिकिया अच्छा लगेगा, या उसने केवल कॉफ़ी ऑर्डर की हो तो हमको वो कॉफ़ी पीने का मन करेगा, अपनी फुल्की और अपना डोसा हम नहीं देखेंगे। ये ह्यूमन नेचर है। ये दिखाता क्या है? ये दिखाता है कि आप किस किस चीज़ों पर निर्भर और हो सकते हैं। बढ़ रही जनसंख्या से निकट भविष्य में खाद्यान्न संकट खड़ा होने वाला है, हर कंट्री के लिए होगा। अगर जो कंट्री जनसंख्या को नहीं रोकेगी उसके सामने खाद्यान्न की समस्या खड़ी होगी, वो अपने पब्लिक को खिला ही नहीं पाएगी सरकार। तो उस कंडीशन में हमारी डिपेंडेंसी कई सारे ऑर्गेनिज्म के ऊपर होनी शुरू होगी, और उस दौरान कई सारी स्पीसीज विलुप्त हो जाएंगी।
ये भी एक खतरा है, और ये बहुत खतरनाक पहलू है, बहुत खतरनाक पहलू है। इसीलिए जब 1972 में स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस हुआ, पहला अर्थ समिट, और उस कॉन्फ्रेंस में स्पष्ट कहा गया कि पूरे दुनिया में हो रहे क्लाइमेटिक पैटर्न के चेंजेस को, डायनेमिक्स, इकोसिस्टम, हैबिटेट लॉस को, फॉरेस्ट लॉस को, ये जो भी हो रहा है इसके लिए ह्यूमन सिविलाइजेशन खुद जिम्मेदार है, और हमारे ह्यूमन सिविलाइजेशन का जो पॉपुलेशन वाला पहलू है वो ज़्यादा जिम्मेदार है, वो ज़्यादा जिम्मेदार है। कभी से भी वो परिवार अच्छा नहीं रहा जिसमें कि जो है संख्याएं बहुत ज़्यादा हो जाएं, और सोर्स ऑफ इनकम या एनर्जी सोर्स जिसको कहते हैं आप इकोनॉमिक सोर्स, तो इकोनॉमिक सोर्स एक ही पर निर्भर करें, कभी से नहीं हो पाएगा और न कभी हुआ। तो ये सबसे घातक वजह है। नेचर ने तो अपने लिए कई सारे आयाम बना रखे हैं, भाई चलो सांप को मेढक नहीं मिला तो सांप जो है मेटा पॉपुलेशन के इन्फ्लुएंस में अपनी ही स्पेशीज में इंटरेक्ट किया या खाया, और जो है अगर मान लीजिए कि लेजर्ड खा लिया, मान लीजिए कोई कोई खरगोश खा लिया, मेढक को मक्खी नहीं मिली तो ग्रास ऊपर खा लिया, समझ रहे हैं, तितली नहीं मिली तो कोई ये कीड़ा जो गिर रहे हैं, पॉपुलेशन फ्लक्चुएशन। अभी एक मैं वीडियो डाला था उसमें पॉपुलेशन फ्लक्चुएशन की बात की गई, वो पॉपुलेशन फ्लक्चुएशन आप देख रहे हैं, इस बारिश के मौसम से कीड़े शुरू हो जाते हैं तो इन कीड़ों को खाते हैं मेढक हैं। तो ये क्या है, ये फूड वेब है, फूड वेब है। सांप को चील भी खा सकता है, मोर भी खा सकता है, नेवला भी खा सकता है, क्या फूड वेब है, मतलब एक स्पीसीज कई लोगों का खाना है, या ये कह ले कि एक स्पीसीज कई लोगों पर डिपेंडेंट है, और वह लोग उस सोर्स पे डिपेंडेंट हैं जो आइदर एबायोटिक रिलेशन के साथ इंटरेक्ट करके ग्रो कर रहा है। और अगर इसको हम पूरे बड़े आयाम पे देखें, चूंकि एनवायरनमेंट में छोटा कुछ होता नहीं, अगर हम बड़े आयाम पे देखें, इकोलॉजी इकोसिस्टम पे डिपेंडेंट है, इकोसिस्टम फ्लो ऑफ एनर्जी पे डिपेंडेंट है, और उसके बाद से ये पूरा ये तीनों एनवायरनमेंट पे डिपेंडेंट है। अगर हम एनवायरनमेंट के किसी भी कंपोनेंट को नुकसान पहुंचाएं तो पूरा का पूरा सिस्टम ही गड़बड़ हो जाएगा, हिल जाएगा पूरा सिस्टम। इसीलिए पूरे दुनिया के वैज्ञानिक चिंतित हैं कि धरती पर बढ़ रहे तापमान के कारण एक डिग्री पर भी स्पीसीज का परिवर्तन जो है वो बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता है और करेगा, क्योंकि ग्लोबल सर्कुलेशन मॉडल से यही प्रिडिक्शन हम लोग को मिलती है, GSM। अब ये देखिए फूड वेब, फूड वेब में क्या है, अब देखिए इस पेड़ के खाने पर ये जिराफ महाराज निर्भर है, शाकाहारी गेंडा निर्भर है, इन दोनों पे शेर निर्भर है, ठीक। अब ये देखिए इस गेंडे के ऊपर डेथ एंड डेथ के बाद से गिद्ध निर्भर है, ठीक, गिद्ध इसको भी खा सकता है, इसको भी खा सकता है, इसको भी खा सकता है, और ग्रास हॉपर को चिड़िए को ये स्पीसीज खा सकता है। ये डिपेंडेंसी है, ये इंटरलिंकिंग बिटवीन स्पीसीज है, ये जो इंटरलिंकिंग और जो इंटरनेशनल लेवल पे सभी चर्चाएं जितनी होती हैं, ये केवल और केवल नेचुरल सिस्टम को, जो नेचर का जो अपना फंडामेंटल सिद्धांतिक जिसको कहते हैं आप रूप है, उसको हमको मेंटेन किए रहना होगा। अब इसमें डिपेंडेंसी ऑफ एक स्पीसीज पे कई ऑर्गेनिज्म डिपेंडेंट है, एक स्पीसीज कई ऑर्गेनिज्म का खाना है,
ठीक है, इसी खाने के माध्यम से ऊर्जा का प्रवाह हो रहा है। ऐसा नहीं है कि इसमें ट्रॉपिक लेवल की विवेचना नहीं की जा सकती, परंतु ये कठिन है। इस पूरी इकाई को समझना बहुत ज़्यादा कठिन था, इसीलिए इसकी सिंपल यूनिट को हम लोग लिए। जैसे कि यदि हम इस पूरे वेब को एक साथ पढ़ रहे हैं, तो अगर हम इसको फिजिकली देखें, बाई नेक आप जो देख रहे हैं मैं आपको दिखा रहा हूँ, एक लाइन ये, ठीक, उसके ऊपर आप देख रहे हैं ये, और उसके ऊपर आप देख रहे हैं, ठीक है, इस तरह के तो ट्रॉपिक लेवल्स बन सकते हैं, पर ये इतना सरल नहीं था, ये इतना सरल नहीं है कि हम पूरे फूड वेब को पढ़ें। तो इसीलिए फूड वेब को की एक यूनिट हमने ली, फूड चेन, और इस फूड चेन से हमने बहुत सारे इंटरलिंकिंग नोड्स को ढूंढा। अब ये नोड्स क्या बोला है, अब आप गौर से देखिए, एक ये फूड चेन दिख रहा है आपको, एक फूड चेन ये दिखेगा आपको, एक फूड चेन यहाँ पे दिख रहा है, एक फूड चेन आपको ऐसे भी दिखेगा, ठीक है, एक फूड चेन आपको इधर भी दिख रहा है, मैं दिखा रहा हूँ आपको, बस खाली आप देखते जाइए। कई सारे कंपोनेंटल, एक फूड चेन आपको ये दिखेगा, ये लंबा वाला ऐसे, तो ये ज़िगज़ैग पैटर्न जो है, ये दो फूड चेन जहाँ जुड़ रहे हैं, या दो स्पेसीज कि जो इंटरलिंकिंग पॉइंट होगा, जिसको हम पढ़े थे इकोटोन में और एज इफेक्ट में, उसको हम नोड्स कहते हैं। अभी आगे आएगा नोड्स। तो ये चीज़ें फूड वेब हुई। फूड वेब जो है वो कनेक्टेडनेस वेब है। अब देखिए, हर जगह पे आपको देखने को मिलेगा। इन फॉर्म ऑफ एनर्जी फ्लो भी देखना चाह रहे हो तो भी आप देखिए, इन फॉर्म ऑफ फंक्शनल वेब देखना चाह रहे हों तो भी आप देखिए, देख रहे हैं, सबका इंटरनेट कनेक्टिविटी, जैसे लग रहा है कि एक कंप्यूटर से या एक मोबाइल से कई सारे मोबाइल चल रहे हैं, तो ये क्या है, वेब ही तो है। इसी तरह ये भी वेब आपको दिख रहा है। एक स्पेसीज डिट्रस देखिए, उसकी उसके ऊपर कौन डिपेंडेंट हो रहा है, फिर बेंथिक डायटम्स पे डिपेंडेंसी देखिए, देख रहे हैं, ये सारा डिपेंडेंसी, ये वेब ही नेचर में एग्जिस्ट करता है। फूड चेन डजंट एग्जिस्ट इन नेचर। यस, फूड चेन डजंट एग्जिस्ट इन नेचर, केवल फूड वेब जो है नेचर में एग्जिस्ट करता है। नेचुरल एग्जिस्टेंस फूड वेब का है। ये जो है मैंने छोड़ रखा है एक चीज आपको बताने के लिए, फूड वेब के लेकर, फूड वेब में मल्टी कंपोनेंटल डिपेंडेंसी होती है, मल्टी कंपोनेंटल डिपेंडेंसी होती है हर डायमेंशन में, और हर स्पेसीज कई तरीके से लिंक होकर मूवमेंट अपना करता है, अपनी सर्वाइबिलिटी को मेंटेन करता है, अपने पॉपुलेशन को इंक्रीज या जो है सक्सेशन में अपना रोल अदा करता है। ये जो इंटरलिंकिंग है, ये आप देख रहे हैं कि एक सिंगल स्पीसीज कई सारे स्पीसीज से इंटरलिंक्ड है, परंतु इसमें एक और महत्वपूर्ण पायदान है, और वो है कि ये सभी एक दूसरे से इंटरलिंक्ड होते हैं, ये सभी एक दूसरे से इंटरलिंक्ड होते हैं, और यही फूड वेब है। एक तो वो सिंगल स्पीसीज से इंटरलिंक होकर चल रहा है, देखिए कई सारे स्पीसीज हैं, परंतु ये सभी आपस में भी इंटरलिंक होंगे, सभी आपस में भी इंटरलिंक होंगे, इसीलिए वेब टर्मोलॉजी का नाम दिया गया, इसीलिए वेब शब्द का लिया गया। वेब आया मकड़े के जाल से, ये मकड़ा है तो मकड़े ने अपने क्या करना है, उसने जाल बनना है, जाल बुनता है, देखिए उसमें सर्किल बना रहेगा, ढेर सारा घना सर्किल बना रहेगा, उसको वेब कहते हैं। वही चीज़ यहाँ पे भी लागू होता है। अब सिग्निफिकेंस ऑफ फूड वेब क्या है,
फूड वेब से हमको क्या क्या समझने और सीखने का मौका मिलता है। पहली चीज, फूड वेब इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है इकोलॉजिकल इंटरेक्शन को समझने में। दूसरी चीज, फूड वेब फंडामेंटल पर्पस डिस्क्राइब करता है फीडिंग रिलेशनशिप मैकेनिज्म ऑफ स्पीसीज इन अ कम्युनिटी। एक स्पीसीज का कम्युनिटी में फीडिंग मैकेनिज्म क्या है, इसका अध्ययन हम फूड वेब से करते हैं, क्योंकि स्पीसीज आपस में इंटरैक्ट करते हैं, जैसे ऑटोट्रॉफ हेटरोट्रॉफ इंटरैक्शन या ऑटोट्रॉफ ऑटोट्रॉफ इंटरैक्शन होता है, ऑटोट्रॉफ ऑटोट्रॉफ इंटरैक्शन होता है, फिर हेटरोट्रॉफ हेटरोट्रॉफ इंटरैक्शन। तो ये इस इंटरैक्शन को समझने में फंडामेंटली हमको फूड वेब हेल्प करता है। दूसरा, इनडायरेक्ट इंटरैक्शन अगर किसी दो स्पीसीज में है या डायरेक्टली इंटरैक्शन है किसी थर्ड स्पीसीज के द्वारा, तो हमको वहाँ पे फूड वेब देखने को मिलेगा, और ये फूड वेब हमको ये इस तरह के इंटरैक्शन समझाता है, माने त्रिकोणीय त्रिकोणीय ट्रायंगुलर रिलेशनशिप को हमको एक्सप्लेन करने में मदद करता है। दूसरा नेक्स्ट इंटरेस्टिंग पॉइंट है, ये डिमोंस्ट्रेट करता है इनडायरेक्ट इंटरेक्शन अमंग स्पीसीज ऑफ टू डिफरेंट इकोसिस्टम। ये बायोम के लिए भी लगता है, ये फूड वेब बायोम के भी इंटरेक्शन अगर कहीं हो रहा है तो उसको भी हमको समझने में हेल्प करता है। फूड वेब एनर्जी फ्लो फ्रॉम प्राइमरी कंज्यूमर हर्बीवोरीज टू प्राइमरी टू सेकेंडरी कंज्यूमर कार्निवोरीज का रिलेशनशिप डिस्क्राइब करता है, एनर्जी फ्लो के आधार पे, एनर्जी फ्लो के पैटर्न को देखकर। स्ट्रक्चरली फूड वेब प्रोडक्टिविटी और अबंडेंस को दर्शाता है किसी भी पॉपुलेशन के। जितना घना फूड वेब होगा उतना ही बढ़िया जो है उसका स्पीसीज का अबंडेंस होगा, उतना ही बढ़िया वहाँ के प्रोडक्टिविटी हो। फूड वेब टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक एनवायरनमेंट में एनर्जी फ्लो को रिवेल करता है। कि कैसे एनर्जी टेरेस्ट्रियल से एक्वेटिक में मूव कर रही है। और फूड वेब एक डायग्रामेटिक टूल है जो कि दिखाता है, दर्शाता है, टेस्ट करने में मदद करता है, हाइपोथेटिकली रिसर्च पर्पस के लिए इस्तेमाल होता है, टू स्टडी द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ इकोसिस्टम प्रोडक्टिविटी और स्टेबिलिटी। इकोसिस्टम की कॉम्प्लेक्सिबिलिटी प्रोडक्टिविटी और स्टेबिलिटी को अगर हमको समझना है तो वी शुड हैव टू इन्वेस्टिगेट फूड वेब। और इसीलिए जब हम कोई फूड वेब का रिसर्च करते हैं, फूड वेब पर रिसर्च करते हैं, तो हम फूड वेब पर रिसर्च नहीं करते, कई सारे इकोसिस्टम को एक साथ देखकर काम करते हैं, कई सारे इकोसिस्टम को एक साथ रखकर आपस में इंटरलिंक करते हैं। अब नेक्स्ट जो है वो है फूड चेन। ये वो यूनिट है जो कि हमें फूड वेब को समझने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। फूड वेब के सारे डायनेमिक्स को, कनेक्टिंग एनर्जी इंटरैक्शन, और जो उसका सिंपलेस्ट फॉर्म है इन फॉर्म ऑफ लेंथ इंटरलिंकिंग ट्रॉपिक लेवल्स जो है, जिसको हम कहते हैं कि बेस ऑफ वेब, बेस ऑफ वेब है फूड चेन, फूड वेब का बेस है, फूड वेब का बेस है। फूड चेन का कोई जरूरी नहीं है कि वो प्राइमरी प्रोड्यूसर और सेकेंडरी प्राइमरी प्रोड्यूसर से शुरू हो और फिर प्राइमरी कंज्यूमर और सेकेंडरी कंज्यूमर और टर्सरी कंज्यूमर तक जाए, प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच में भी हो सकता है, प्राइमरी तीन लेवल पे भी हो सकता है, दो लेवल का भी हो सकता है, पांच लेवल का भी हो सकता है, ये डिपेंड करता है उस एरिया के स्पीसीज रिचनेस पे और स्टेबिलिटी ऑफ इकोसिस्टम पे। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये आपका डेफिनेशन हो जाएगा। टाइप्स ऑफ फूड चेन मेजरली जो है, जो टाइप्स बताए गए फूड चेन के, एक है ग्रेजिंग,
जिसको हम टेरेस्ट्रियल कहते हैं, एक है एक्वाटिक जिसको हम मैराइन और उसमें देखते हैं, और एक है डिट्रस। डिट्रस जो है वो कॉमन है इसमें भी और इसमें भी, इन दोनों में कॉमन है डिट्रस। अब ये कह लें कि इसका दूध भात है। तो अब ग्रेजिंग फूड चेन ऑटोट्रॉप से शुरू होकर ओमनीवोरिस तक जाता है जो टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में एग्जिस्ट करते हैं, और एक्वाटिक फूड चेन एक्वाटिक लेवल पे जो प्लैंकटॉन्स है वहाँ से जाता है और सेकेंडरी और टॉप कार्निवोरस तक जाता है। इकोसिस्टम का आएगा आई लिंक में, उसको देख लीजिएगा, और आई लिंक में आपको देखने को मिलेगा प्रोडक्टिविटी जिसमें पिरामिड, ये दोनों को देख लीजिएगा। आपने स्क्रीन को आप क्लिक करेंगे इस समय तो उस पर एक जो है बन कर आता है, ऐसे गोल सा रहेगा, इसके अंदर आई लिखा रहेगा, इसको आई बटन कहते हैं। तो इसी आई बटन को क्लिक कर लीजिएगा तो आपको सारे चीज़ मिल जाएंगे, कोई दिक्कत आपको उसमें नहीं होगी। डिट्रस फूड चेन क्या है? अब जैसे मान लीजिए कोई प्लांट है, ठीक, सड़ गया, मर गया, गल गया, कोई कंडीशन उसके साथ घट गई, तो उसको लोअर कंपोनेंट में तोड़ने के लिए माइक्रोब्स वर्क करेंगे, फिर कुछ पैरासाइट्स भी उस पर काम करेंगे, उसको सड़ाकर डिकम्पोज करेंगे, तो वो डिट्रस होगा। डिट्रस जो आपका फूड चेन है उसको मैं आपको वेब में दिखाऊं। जैसे मान लीजिए ये ट्री है, ये ट्री नष्ट हो गया, ठीक है, तो इसको माइक्रोबियल डिग्रेडेशन होगा। इसको मान लीजिए कि शेर नहीं खा पाया, नहीं खाया, केवल इकोसिस्टम वहाँ का यही दो स्पीसीज हैं, तो ये डेथ करेगा। डेथ करने पर इसका जो है डिकम्पोजिशन बाई माइक्रोबियल होगा। यही चीज़ डेट्रस इकोसिस्टम में होता है, यही चीज़ डेट्रस इकोसिस्टम में होता है, और यही चीज़ डेट्रस फूड चेन में भी होता है, और डेट्रस फूड चेन और डेट्रस इकोसिस्टम को सेप्रोफिटिक भी कहते हैं, सेप्रोफिटिक या पैरासिटिक या डिकम्पोजर, जो आप शब्द का इस्तेमाल करना चाहें स्वतंत्रता से कर सकते हैं। अब स्ट्रक्चरली फूड चेन में भी पिरामिड की तरह ट्रॉपिक लेवल्स होते हैं। ऊपर आई बटन में पिरामिड का आएगा, आप उसको देखिएगा, फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, सेकंड ट्रॉपिक लेवल, परंतु यह ट्रॉपिक लेवल खाने को लेकर ही डिजाइन है। इसीलिए जब चार्ल्स एलिंटन ने इकोलॉजिकल पिरामिड दे दिया ना, तो सारे चीज़ों को समझने का आयाम ही चेंज हो गया, नज़रिया ही बदल गया, नज़रिया ही बदल गया। जैसे आप जो है इंटरमीडिएट तक होते हैं, तो इंटरमीडिएट में जब आप होते हैं तो आपका नज़रिया होता है कि भाई आइदर हमने इंटरमीडिएट क्यों किया है? भाई इसलिए किया कि हम जो है या तो डॉक्टरी चुनेंगे, या तो इंजीनियरिंग चुनेंगे, या तो डिफेंस चुनेंगे, या तो कोई पॉलिटेक्निक करियर डिप्लोमा चुनेंगे, ठीक है। जब आप ग्रेजुएशन करते हैं तो ग्रेजुएशन क्यों करते हैं? कभी दिमाग में विचार आया क्यों कर रहे हो ग्रेजुएशन? नहीं आया होगा, बताता हूँ मैं। ग्रेजुएशन इसलिए करते हैं कि हमको ग्रेजुएशन के बाद से सिविल सर्विसेज की तैयारी करनी है, IAS, PCS, SSC, जो भी है, ठीक है। पोस्ट ग्रेजुएशन क्यों करते हैं? वाई हायर एजुकेशन? क्या ज़रूरत है हायर एजुकेशन की? करते क्यों हैं? फॉर रिसर्च। हायर एजुकेशन रिसर्च के लिए डिज़ाइंड है। रिसर्च के बाद से आपकी जो PhD होगी, PhD के बाद से वो टीचिंग के लिए डिज़ाइन होता है। अब समझ में आया हायर एजुकेशन क्यों करते हैं? MSc और MA या MCOM वो इसीलिए करते हैं, और ज़्यादा एक्सप्लोरेशन के लिए करते हैं अपने आप को। तो ये क्या है? ये हमारे ट्रॉपिक लेवल्स हैं एजुकेशन के, और यही ट्रॉपिक लेवल्स अगर हम खाने को लेकर निर्भरता पे दिखें किसी भी फूड चेन में, तो तीन चार प्रकार के लेवल ठीक पिरामिड की तरह दर्शाए जाएंगे, प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शरी कंज्यूमर एंड टॉप कंज्यूमर। आप कह लें पहला ट्रॉपिक लेवल, दूसरा ट्रॉपिक लेवल, तीसरा ट्रॉपिक लेवल एंड चौथा ट्रॉपिक लेवल, यही है जिसकी मैं बात कर रहा था, ट्रॉपिक लेवल्स की।
ये सारे ट्रॉपिक लेवल्स हैं। टेरेस्ट्रियल फूड चेन देख रहे हैं आप, टेरेस्ट्रियल फूड चेन में ऑटोट्राफ, जो मैं कहा था प्लांट केवल सनलाइट पर निर्भर नहीं होता है, सॉयल में मौजूद न्यूट्रिएंट पर भी निर्भर होता है। अब स्मॉल हर्बीवोरीज, लार्ज प्रेडेटर्स, ये जो आप देख रहे हैं ये प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्सरी कंज्यूमर। अब ये प्राइमरी कंज्यूमर के डेथ होने पर ये डिट्रस इकोसिस्टम में चलेंगे, ये डेथ हो गए ये डिट्रस में, इनको कोई खाया पिया नहीं तो यहाँ आ जाएंगे, ये कोई खाया पिया नहीं अपनी नेचुरल डेथ हो गई तो यहाँ आ गए, या क्लाइमेटिक इम्पैक्ट से इनका डेथ हो गया तो ये यहाँ चले आए नीचे, और डिट्रस इकोसिस्टम इसको सिंपलेस्ट कंपाउंड में तोड़कर वापस सॉयल के न्यूट्रिएंट को बढ़ाने में मदद करता है। देख रहे हैं कितना सुंदरता से प्रकृति काम करती है, कितने सुंदरता तरीके से प्रकृति काम करती है। अब मान लीजिए ऑटोट्रॉफ, ठीक, ऑटोट्रॉफ के बाद से प्राइमरी कंज्यूमर, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर, फिर टर्सरी कंज्यूमर, ठीक है। अब ऑटोट्रॉफ डेथ हो गया, ठीक, ओके, कोई बात नहीं, डेथ हुआ तो यहाँ नीचे का पूरा बेल्ट जो है ये डीकम्पोजर का है, डीकम्पोजर, तो ये डीकम्पोजर इसको इस्तेमाल करेंगे, और फिर ये डीकम्पोजर इस प्लांट जहाँ पे ये एग्जिस्ट करेगा, कहीं तो ऑटोट्रॉफ लगा रहेगा पौधा पेड़, तो वहाँ के सॉयल की गुणवत्ता बढ़ा देते हैं क्योंकि खाद में कन्वर्ट हो जाए। वी आर मेड अप ऑफ हाइड्रोकार्बन, दीज आर हाइड्रोकार्बन्स, पढ़े होंगे केमिस्ट्री में, हाइड्रोकार्बन्स हैं ये सब। अब प्राइमरी कंज्यूमर डेथ किया, इसको मान लीजिए कि सेकेंडरी नहीं खाया, बच गया, अपनी जीवन खुद जिया और मर गया, तो ये डिकम्पोज हो जाएगा, इसको ये सड़ेगा, सड़ के ये जो है इसको माइक्रोबियल डिकम्पोजिशन होगा और फिर ये न्यूट्रिएंट में इस्तेमाल हो जाएगा। सेकेंडरी कंज्यूमर ये भी डेथ किया तो इसको भी डिकम्पोजर, टर्सरी किया डेथ ये भी डिकम्पोजर। अच्छा, इसमें प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी और ये प्रोड्यूसर जो आप देख रहे हैं, ये इनका लीफ गिरा, लीटर लीफ, पत्तियां सूख के गिरी, टहनियां गिरी, तो ये भी कन्वर्ट हो जाएंगे। प्राइमरी कंज्यूमर का एक्सक्रीटा यूरिन होगा, यहाँ पे कन्वर्ट होगा, सेकेंडरी का यहाँ कन्वर्ट होगा, टर्सरी का भी यही कन्वर्ट करेंगे। इसीलिए ये जो भयानक रूप से कन्वर्जन होता है, तो फ्लो ऑफ जो एनर्जी होता है किसी भी इकोसिस्टम में, उसका डायग्राम वाई शेप का बनता है, वाई शेप, मल्टी कंपोनेंटल डिपेंडेंसी, ये वाई शेप बनेगा। डेथ एंड डीके के बाद से ऑर्गेनिज्म फिर से टूटकर सिंपलेस्ट ऑर्गेनिक कंपोनेंट में कन्वर्ट हो जाते हैं, उनका एक्सक्रीटा, उनका जो फीकल मैटर है वो भी कन्वर्ट होता रहता है, काउ डंक है या किसी भी स्पीसीज का डंक है, तो वो जो है यूजफुल ऑर्गेनिक सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाएगा बाई माइक्रोब्स, और फिर उन माइक्रोब्स को भी उस सॉयल में मौजूद प्रेडेटर्स खा लेंगे, समझ रहे हैं, अपने न्यूट्रिएंट में इस्तेमाल कर लेंगे। तो पैरासिटिक इकोसिस्टम किसी भी इकोसिस्टम का या किसी भी फूड वेब का बेस होता है, किसी भी पिरामिड का बेस होता है, और बेस की सबसे निचली पायदान पर होता है, सबसे निचला पायदान और सबसे यूजफुल इकोसिस्टम में आपको ये चीज़ें देखने को स्पष्ट रूप से मिलती हैं। यहाँ तो सिर्फ खाने पीने की बात हो रही है। सिग्निफिकेंस ऑफ फूड चेन की बात करते हैं, सिग्निफिकेंस ऑफ फूड चेन क्या है, तो इसको समझें। सिग्निफिकेंस ऑफ फूड चेन है कि इम्पॉर्टेंट रोल दे शो रिलेशनशिप इन इकोसिस्टम, दे रिवेल हाउ ईच ऑर्गेनिज्म डिपेंडेंट अपॉन ईच सर्वाइवल ऑफ एल्स सर्वाइवल, अदर पे कैसे सर्वाइबिलिटी पे निर्भर हैं। फूड चेन ऑल्सो डिस्प्ले व्हाट है, जो आपका स्पीशीज का जो लॉस होना होता है वो भी हम यहीं से देखते हैं। एंटायर कम्युनिटी कोलैप्स कर जाए तो कैसी सिचुएशन होगी, वो कैसा हैरार्की और जो है कंडीशन क्रिएट हो जाएगा, इसको हम यहाँ पे पढ़ते हैं।
फूड चेन जो है वो साइंटिस्टों को हेल्प करता है टू एक्सप्लोर अबाउट इकोसिस्टम एंड हाउ दे हेल्प टू स्टे द बैलेंस बैलेंस बनाने के लिए। फूड चेन चूँकि खाने से ही तो ऊर्जा बनेगी, खाने से ही ऊर्जा बनेगी, खाने से ही ऊर्जा बनेगी। वो इकोसिस्टम तभी काम करेगा जब हमारे पास फूड वेब बढ़िया होगा, और फूड वेब जो है बढ़िया तब होगा जब हमारा जो है प्रोड्यूसर की प्रोडक्टिविटी रेट अच्छा होगा, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी किसी भी इकोसिस्टम का अच्छा होगा। ये इन्वायरमेंट वाले प्रेडिक्ट कर लेते हैं। इसे इन्वायरमेंटल साइंस में प्रेडिक्शन बहुत आसानी से होता है, बहुत सटीक होता है। जैसे मान लीजिए किसी एरिया का ग्रास लैंड है, ठीक है, उस ग्रास लैंड की प्रोडक्टिविटी से ही हम लोग पता लगा सकते हैं वहाँ का पूरा इकोसिस्टम डायनेमिक्स, प्लांट के बेसल ग्रोथ तक बता सकते हैं, लीफ कवर इंडेक्स, लीफ एरिया इंडेक्स, सारी चीज़ों को कैनोपी नापी सब कैलकुलेट हो सकती है। खाली एक प्रैक्टिकल आप अगर अबंडेंस का किए हैं तो इतना सारा कैलकुलेशन आप कर सकते हैं बहुत सरलता से। फिर फूड चेन जो है वो डिपेंडेंट एग्जामिनेशन में मदद करता है ट्रॉपिक लेवल के। अब इसको आप समझेंगे ये कैसा एग्जामिनेशन, कैसा मदद और किस प्रकार का मदद। मान लीजिए प्रोड्यूसर है, ठीक, प्रोड्यूसर के बाद से कंज्यूमर है प्राइमरी, फिर कंज्यूमर आपका आएगा सेकेंडरी, दिस इज प्राइमरी वन, सेकेंडरी वन एंड टर्शरी, ठीक है। तो हमारे पास तीन कंज्यूमर हैं। मान लीजिए प्राइमरी कंज्यूमर तो डायरेक्टली डिपेंडेंट है इस पे, सेकेंडरी कंज्यूमर एक ऐसी स्पीसीज का पायदान है जो केवल इस पे निर्भर है, टर्शरी कंज्यूमर सेकेंडरी पे भी निर्भर है और प्राइमरी पर भी निर्भर है। तो खतरा यहां नहीं है, खतरा है यहां पर सेकेंडरी में और इस प्राइमरी में, बस डिग्री का अंतर है, बस डिग्री का अंतर है। ये नुक्स खत्म हुआ तो ये ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा, या स्पेसीज नष्ट हुई तो ये ऑटोमेटिकली नष्ट हो जाएगी, और जब ये नष्ट हो जाएगी तो इसका वजूद खत्म हो जाएगा टर्शरी का, नो मैटर कि ये रहती है कि नहीं रहती है, नो मैटर। ये बहुत खतरनाक हिसाब किताब है, ये जो कैलकुलेशन है बहुत खतरनाक है, और हम इसी को नष्ट कर रहे हैं। फिर हम इस पे, कुछ लोग इस पे भी तुल गए हैं, अब आइए थर्ड टॉपिक को अपने पढ़ते हैं, की स्टोन स्पीसीज। की स्टोन स्पीसीज मतलब वह स्पीसीज होता है जो निर्धारण करता है, की स्टोन स्पीसीज जो है इकोलॉजिस्ट रॉबर्ट पाइन ने दिया था, इस पर शोध किया था 1960 में, ऊपर से कई सारे साइंटिस्ट भी शोध किए। की स्टोन स्पीसीज निर्धारण करता है उस इलाके के इक्विलिब्रियम को। ये नोट्स आपका है सामने, आप इसके स्क्रीनशॉट लेते रहिए, ये आपका नोट्स बन जाएगा। समझिए ये है क्या, समझिए ये है क्या। की स्टोन वह स्पीसीज है जो किसी कम्युनिटी, किसी इंडिविजुअल पॉपुलेशन को निर्धारित करता है, किसी के मापदंड को तय करता है। और कैसे करता है, एक हमको ब्लैक, इसीलिए मैंने जगह खाली छोड़ दी दो टू व्हाइट बोर्ड टाइप में। मान लीजिए कि दो इकोसिस्टम है, ठीक है, यहाँ जो स्पीसीज पाया जाएगा उसकी निर्भरता फूड के मामले में इधर भी होगी इधर भी होगी, ठीक है, ये की स्टोन क्राइटेरिया में आएगा। मैक्सिमम इकोसिस्टम में टॉप कंज्यूमर जो है वो, और सेकेंडरी कंज्यूमर जो है वो कीस्टोन में आते हैं, कीस्टोन स्पीसीज में आते हैं। वो नियंत्रण रखते हैं जनसंख्याओं पर, स्पीसीज के फैलाव पर, एक्सपेंशन ऑफ पॉपुलेशन पर, एक्सपेंशन ऑफ पॉपुलेशन पर। जैसे कि इसमें एक बहुत सरल सा एग्जाम्पल भी है, अभी हम आपको बताएंगे आगे। पहले इसको परिभाषा को समझ लीजिए। लिखता है कि
सभी इकोसिस्टम जो स्पीसीज एग्जिस्ट है, एवरी इकोसिस्टम हैज अ सर्टेन स्पीसीज एग्जिस्टिंग दैट आर क्रिटिकल टू सर्वाइवल ऑफ द अदर स्पीसीज इन द सिस्टम। माने एक स्पीसीज का एग्जिस्टेंस ऐसा है इकोसिस्टम में जिसके कारण अदर स्पीसीज की सर्वाइवलिटी क्रिटिकली बनी रहती है, उसको हम की स्टोन स्पीसीज कहते हैं। ये प्लांट में भी होता है, एनिमल में भी होता है, और ये बहुत तगड़े प्रेडेटर होते हैं। अब याद आ रहा होगा उसमें एक लाइन है, वो लाइन ये है कि शिकार तो सभी करते हैं पर टाइगर से बेहतर शिकारी कोई नहीं। व्हाट इज हु इज़ टाइगर? टाइगर इज़ अ की स्टोन स्पीसीज। टाइगर इज़ अ की स्टोन स्पीसीज। अब आया समझ में की स्टोन क्या है और क्यों सेकेंडरी कंज्यूमर कंजर्वेशन और प्रोजेक्ट टाइगर पे जोर दिया जा रहा है, क्यों टाइगर के हैबिटेट को रिस्टोर किया जा रहा है, क्यों टाइगर की लॉस पे कानून बन रहे हैं, लॉस होने पर दंड निर्धारण हो रहा है, इसीलिए हो रहा है। वल्चर्स की स्टोन स्पीसीज में थे, वल्चर्स की स्टोन स्पीसीज में थे, और की स्टोन स्पीसीज को प्रिजर्व कंजर्वेशन बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वाइटल सिग्निफिकेंस है। की स्टोन का स्पीसीज जो होगा उसकी छाप जो है वो सभी कम्युनिटी पर उस एरिया में होगी, वो लोकल डाइवर्सिटी का निर्धारण करता है, उसका रेंज वाइड होगा। हर स्पीसीज का एक रेंज होता है, उस रेंज के बाहर वो नहीं जाएगा। लायन का भी अपना रेंज है, टाइगर का भी अपना रेंज है, आपका जैकाल का भी अपना रेंज है, वुल्फ का भी अपना रेंज है, मीरकैट का भी अपना रेंज है, डियर का भी अपना रेंज है, क्रोकोडाइल का भी पानी में अपना इलाका होता है, स्नेक का भी होता है, उस इलाके से बाहर वो नहीं जाते। पर की स्टोन स्पीसीज ही उस इलाके का निर्धारण करता है, की स्टोन स्पीसीज उस इलाके का निर्धारण करता है और उसका इलाका सबसे ज़्यादा होता है। एग्जाम्पल के तौर पे एक एग्जाम्पल समझाया गया कि स्टारफिश जो है वो की स्टोन स्पीसीज है, क्योंकि ये प्रीडेटरी, इसका जो है स्टारफिश का, वो फीड करती है म्यूसल्स पे, और ये म्यूसल्स जो है अगर इनकी संख्या बढ़ जाए तो वो लोकल स्पीसीज डाइवर्सिटी को नुकसान पहुंचाएंगे। जैसे कि किसी खेत में सांप, अगर सांप खेत में है तो रोडेंट्स खेत को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। तो स्नेक क्या हुआ? की स्टोन स्पीसीज हुआ। बहुत बच्चे हमसे पूछते हैं सर की स्टोन समझाइए, की स्टोन समझाइए, बहुत कठिन लगता है। ये जो बता रहा हूँ ये कहानी एकदम सरल है, यही की स्टोन है। इसीलिए इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन में की स्टोन स्पीसीज पे ज्यादा फोकस है। की स्टोन स्पीसीज का निच सबसे बेहतरीन होता है वेटलैंड। वेटलैंड को एबोड ऑफ गॉड इसीलिए कहा गया है क्योंकि उसके पास तो न्यूट्रिशनल वैल्यू है ही बेशुमार। एक चावल हम लोग खाते हैं अक्सर नवरात्र के व्रत में खाया जाता है, तिन्नी का चावल कहते हैं उसको, उस पर हल नहीं चलता है। उस चावल का बॉटनिकल नेम ओराइजन रुबेरा है। वह चावल वेटलैंड्स में होता है। सिंगाड़ा वेटलैंड में होता है। सिंगाड़ा बहुत न्यूट्रिशियस होता है, बहुत न्यूट्रिशियस होता है, बहुत फायदेमंद है। तो वेटलैंड की स्टोन स्पीसीज का गढ़ भी होता है, इसीलिए वो एबोड ऑफ गॉड में आता है। एक ही फैक्टर नहीं है उसको एबोड ऑफ गॉड बनाने के लिए, कई कई हाथ हैं उसके, कई रिलेशनशिप दर्शाता है। स्पेसिएशन की संभावनाएं प्लैंकटॉन लेवल पे, जू प्लैंकटॉन लेवल पे और रेप्टाइल्स पे और एम्फीबियंस में वेटलैंड के में सबसे ज़्यादा होती हैं, नए स्पीसीज फॉर्मेशन।
ये कीस्टोन, ये कीस्टोन स्पीसीज होते हैं जो निर्धारण करते हैं। आप ये समझ लीजिए कि किसी शादी में फूफा फूफा रूठ गए तो बारात बेकार हो जाती है, चौपट कर देते हैं फूफा सब, वही चीज़ है, वही है। अगर कीस्टोन स्पीसीज हटाया आपने तो माहौल गड़बड़ाया आपका, तुरंत माहौल गड़बड़ाया, इकोसिस्टम में गड़बड़ाया माहौल। पता नहीं कहाँ से एग्जांपल आ गया दिमाग में। टाइप्स ऑफ कीस्टोन स्पीसीज, कीस्टोन स्पीसीज कई टाइप के होते हैं, कई टाइप के होते हैं। वो प्रीडेटर भी होते हैं, इकोसिस्टम इंजीनियर भी होते हैं, इकोसिस्टम बनाने में कीस्टोन स्पीसीज बनाने में मदद करते हैं। हनी भी, मधुमक्खी छत्ता, उसको कौन बनाता है? लेबर। रानी मधुमक्खी नहीं बनाती है छत्ता, लेबर बनाते हैं। तो ये सब क्या है, आंट का जो होता है घर, वो सब ये कीस्टोन है। और कीस्टोन इंजीनियर ऑफ इंजीनियर, इकोसिस्टम इंजीनियर भी कहा जाता है इनको। कई बार क्वेश्चन आ जाता है इकोसिस्टम के इंजीनियर कौन कहे जाते हैं, तो कीस्टोन स्पीसीज कहा जाता है। अब लोग कहेंगे इकोसिस्टम के इंजीनियर वो कहे जाते हैं जो आर्टिफिशियल इकोसिस्टम बनाए फार्मर, ना, इकोसिस्टम कीस्टोन स्पीसीज कहे जाएंगे। म्यूचुअलिज्म की भावना स्पीसीज, जो कंपटीशन में, अभी इंटर स्पेसिफिक और इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन का आएगा वीडियो, उसको भी आप देखिएगा। टाइम लगता है, थोड़ा हॉलीडे था तो भी फिर भी मैंने इसको अपलोड किया है क्योंकि कोर्स लंबा है थोड़ा। तो म्यूटेशन, अरे म्यूचुअलिज्म, म्यूचुअलिज्म वाला जो है स्पीसीज वो कीस्टोन स्पीसीज होगा। गाय या भैंस के ऊपर बैठा हुआ बगुला या साइरस क्रेन उस पे मौजूद कीट पतंगों को खाता है, अगर वो कीट पतंगे इस गाय और उस पे रहेंगे तो उसको शरीर की त्वचा को नष्ट कर देंगे। कीस्टोन स्पीसीज हुआ ना कभी। अब देखिएगा कभी भी भैंस के ऊपर कौआ हुआ बैठा रहे तो आप समझ जाइएगा वो कीस्टोन की कहानी है, ठीक है। आगे चलते हैं, अम्ब्रेला स्पीसीज, अम्ब्रेला स्पीसीज, अगर वही कीस्टोन स्पीसीज टॉप कंज्यूमर्स में आते हैं तो अम्ब्रेला स्पीसीज आते हैं। फाउंडेशन स्पीसीज, अगर वो स्पीसीज जो है इकोसिस्टम को बनाने में मदद कर रहे हैं तो वो फाउंडेशन स्पीसीज कहलाते हैं। इंडिकेटर स्पीसीज, इंडिकेटर स्पीसीज वो आते हैं जो किसी इलाके को इंडिकेट करके बताते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल मुझे बहुत अच्छा लगता है, अगर आप आर्कटिक पे जाएंगे तो आपको पोलर बियर मिलेंगे, वो इंडिकेटर स्पीसीज हुए, इंडिकेटर स्पीसीज हुए। किसी इलाके में सूखा पड़ने की संभावना ज़्यादा है तो वहाँ पे बेहया का पेड़ बहुत ज़्यादा ग्रोथ करेगा, इंडिकेटर स्पीसीज है। किसी इलाके में लाइकेन आपको दिख रहा है तो वो इलाका पोल्यूशन फ्री है तो वो इंडिकेटर स्पीसीज हुआ। कहीं तुलसी का पौधा किसी सॉयल में दिख रहा है तो सॉयल प्रोडक्टिव है, वो इंडिकेटर स्पीसीज हुआ। किसी खेत में मेंढक केंचुआ दिख रहे हैं तो एनपीके की मात्रा सही है, वो इंडिकेटर स्पीसीज है। फ्लैगशिप स्पीसीज क्या है जो इकोसिस्टम के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, जैसे जैसे फ्लैगशिप स्पीसीज, नाम में ही आंसर छुपा है। वह स्पीसीज जो फ्लैग पे लगे, फ्लैग पे भी लगता हो। पांडा का नाम सुने हैं, पांडा, पांडा स्पीसीज, तो वो पांडा स्पीसीज फ्लैगशिप स्पीसीज में आता है। अब इसी चीज़ को हम यहाँ पे ब्रीफ करके लिख दिए हैं, ये प्रीडेटर जो है हेल्प करते हैं कंट्रोल पॉपुलेशन के लिए। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपका नोट्स बन जाएगा पूरा। समुद्र में मौजूद टर्टल्स होते हैं, वहाँ के सी ग्रासेस को खा के जीवन रहते हैं, तो ये सब प्रीडेटर्स हैं। और प्रीडेटर्स भी कीस्टोन स्पीसीज में आते हैं, एक वैरायटी है इनकी कीस्टोन की। कीस्टोन स्पीसीज कई प्रकार के होते हैं ना, मैंने पहले ही बताया। ये देखो, प्रीडेटर, इकोसिस्टम इंजीनियर, म्यूचुअलिज्म, अम्ब्रेला स्पीसीज, फाउंडेशन स्पीसीज, इंडिकेटर स्पीसीज, फ्लैगशिप स्पीसीज, तो ये सारे मिलकर बनाते हैं कीस्टोन स्पीसीज। ये सब कीस्टोन के टाइप्स हैं। इंजीनियर इकोस्पीसीज कौन से हैं जो हैबिटेट वबिटेट डिज़ाइन करते हैं,
हैबिटेट डिज़ाइन करते हैं, जिनके डेथ हो जाने पे रिवर बैंक पे या वो जो है गड्ढे खोद के रहते हैं, वेटलैंड्स में रहते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फिर इसके बाद से म्यूचुअलिस्टिक स्पीसीज जो इकोसिस्टम के साथ इंटरेक्ट करके बेनिफिट प्रदान करते हुए चलते हैं। फिर इसके बाद अम्ब्रेला स्पीसीज भी कीस्टोन की स्पीसीज की ही प्रजाति है, एक टाइप है, ये भी एक तरह के टाइप हैं जो कि अम्ब्रेला स्पीसीज और कीस्टोन का जो वैल्यू है टाइड जियोग्राफिकल स्पेसिफिक रेंज के अंतर्गत होता है। अम्ब्रेला स्पीसीज का जो है लार्ज हैबिटेट रिक्वायरमेंट होता है, जैसे हाथी अम्ब्रेला स्पीसीज में आएगा, अम्ब्रेला स्पीसीज में माइग्रेटरी बर्ड्स भी आते हैं, वो एक ही जगह नहीं प्रजनन करते हैं, कई जगह उनके हैचेज और नीचेज होते हैं। फाउंडेशन स्पीसीज में एक्सोस्केलेटन्स जो होते हैं जो कोरल रीफ का निर्माण करते हैं, तो फाउंडेशन स्पीसीज होते हैं। इंडिकेटर स्पीसीज के बारे में बताया मैंने, इंडिकेटर स्पीसीज को ये क्वेश्चन में बता रहा हूँ आपको, बहुत बढ़िया कोई चल। इंडिकेटर स्पीसीज को सेंटिनल स्पीसीज भी कहा जाता है, सेंटिनल स्पीसीज, इंडिकेटर स्पीसीज इज ऑल्सो नोन एज सेंटिनल स्पीसीज। फ्लैगशिप स्पीसीज, जैसे कि किसी कंट्री का जो है कोई पौधा या फ्लोरा फना उसके झंडे में पाया जाए, वो फ्लैगशिप स्पीसीज होता है। सोसाइटी को, सोशल इन्वायरमेंट को रिप्रेजेंट करता है, कोई पॉपुलर एनिमल होता है या इंडिकेटर स्पीसीज, वो भी कीस्टोन का, ये कीस्टोन का ही में आएंगे, ये सब कीस्टोन में आएंगे, ऐसा नहीं है कि कीस्टोन कोई अलग हो जाएगा, ये भी एक कीस्टोन है। कीस्टोन एक टर्म दिया गया है और वही टर्म हम यहाँ पे देख रहे हैं, उसके कई रूप देख रहे हैं कहाँ कहाँ पे हैं। वो क्रिसमस का पेड़ जो है वो कीस्टोन है, अब क्रिसमस मनाएगा तो आपको याद रहेगा, क्रिसमस ट्री जो है वो कीस्टोन में आता है, फ्लैगशिप में आता है, हाँ कीस्टोन में आएगा, कीस्टोन के फ्लैगशिप वैरायटी में आएगा। ये सब कीस्टोन है क्योंकि ये निर्धारित करते हैं किसी भी फूड चेन को, फूड वेब को, इकोसिस्टम को, इकोलॉजी को, इकोलॉजिकल डायनेमिक्स को बहुत बड़े पैमाने पे। कीस्टोन स्पीसीज आपके घर में भी होता है, जो घर का बड़ा होता है वो बाहरी स्पीसीज के घुसपैठ, बाहरी लोगों को घुसपैठ को ऊपर नज़र रखता है, जो वो कीस्टोन स्पीसीज हो जाता है। ठीक है, सिग्निफिकेंस ऑफ कीस्टोन क्या है? कीस्टोन स्पीसीज हेल्प टू डिफाइन एंटायर इकोसिस्टम। कीस्टोन स्पीसीज हैव लो फंक्शनल रिटेंडेंसी, मतलब कि स्पीसीज का डिसअपीयरेंस को रोकता है उस इकोसिस्टम में, नीच को फिक्स करता है, इकोलॉजिकल नीच को, और कोई भी ऑर्गेनिज्म चाहे वो प्लांट हो, फंगाई हो, मे बी कीस्टोन स्पीसीज, अगर वह स्पीसीज निर्धारित करता है फूड वेब के लेवल्स को, ट्रॉपिकल मैकेनिज्म्स को, चाहे वो हैबिटेट हो, एक हैबिटेट से दूसरे हैबिटेट में इंटरवेन हो, या वो स्पीसीज से स्पीसीज वेरिएशन हो, उनके बीच में भी एक स्पीसीज जो है वो निर्धारण करता है। तो ये निर्धारण की प्रक्रिया करते हैं, ये तय करते हैं कि कौन सी चीज़ की प्राथमिकता हमारे पास पहले होगी, किस स्पीसीज को सर्वाइव करना है, किसकी संख्या कितनी होनी चाहिए। नेचर ने देखी कितनी खूबसूरती से ये मैनेजमेंट कर रखा है, ये मैनेजमेंट बहुत कठिन है, ये आम आदमी मानकर नहीं है, ये प्रकृति है जो इसको डील करती है। थैंक यू वेरी मच। इसमें कोई भी प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, कोई चीज़ न समझ में आ रही होगी तो भी बताइएगा। Have a nice day.